इमरान हनीफ साहब, मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ जो पाकिस्तान से हमारे साथ इस महफिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बात यह है कि जब सवाली हुजूर की बारगाह में सवाल पेश कर देता है तो ये बारगाह किसकी है ये तो देखिए, वहाँ से करम ही करम मिलता है। दिल को हुजूर की बारगाह में पेश करते हुए ये चार अशार पेश कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसे सुनने हैं जैसे 400 सुने हैं। बख्ते सियाह जब दरे आली पे रख दिया, बख्ते सियाह जब दरे आली पे रख दिया, सूरज उन्होंने दस्ते सवाली पे रख दिया, सूरज उन्होंने दस्ते सवाली पे रख दिया। और ये शेर मेरे साथ खुदा की कसम ऐसा हुआ है, जिसके साथ हुआ हो वो तो खामोश न रहे, बैठकर सुभान अल्लाह कहे, खड़े होकर कहे, हाथों को उठाकर कहे, लेकिन अपने अकीदे का इजहार करे कि मांगे थे मैंने आपसे रहमत के चंद फूल, मांगे थे मैंने आपसे रहमत के चंद फूल, सारा चमन दुआओं की डाली पे रख दिया, सारा चमन दुआओं की डाली पे रख दिया। और शेर देखिए, आप मदीने शरीफ होकर आते हैं, शायर भी जब होकर आया, मुजफ्फर वारसी जब होकर आया तो उसने भी अपने एहसासात मंजूम किए। कहता है कि आंखें बिखेर आया हूं रोजे के हर तरफ, ख्याल की नजाकत देखिए, नजाकत देखिए, आंखें बिखेर आया हूं रोजे के हर तरफ, आंखें बिखेर आया हूं रोजे के हर तरफ, लेकिन ख्याल रोजे की जाली पे रख दिया, लेकिन ख्याल रोजे की जाली पे रख दिया। और मुझको बिठाया, दो कश्तियां थी, मुझको बिठाया जानिब साहिल की नाव पर, मुझको बिठाया जानिब साहिल की नाव पर, और बारे गुनाह डूबने वाली पे रख दिया, बारे गुनाह डूबने वाली पे रख दिया। मांगे थे मैंने आपसे रहमत के चंद फूल, मांगे थे मैंने आपसे रहमत के चंद फूल, सारा चमन दुआओं की डाली पे रख दिया, सारा चमन दुआओं की डाली पे रख दिया। मैं दावत देना चाहता हूँ आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ, खुशाबाज, खुशंदाज सना खां, कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से आपकी मोहब्बतों में ये सना खां कुवैत आ रहा है, उस खानवादे से ताल्लुक़ जो नस्ल दर नस्ल आका अलैहिस्सलाम के दीन की, हुजूर के ज़िक्र की खिदमत करता आ रहा है। बड़ी ज़िंदगी से पढ़ने वाला सना खां, आपका बहुत पसंदीदा हाफिज़ नूर सुल्तान सिद्दीकी, लाहौर की दाता लाहौर दाता की नगरी से आने वाला सना खां, मोहब्बतों से हाफिज़ नूर सुल्तान सिद्दीकी नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جواب نہیں آیا السلام عليكم بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں میرے بڑے پیارے دوست اور اس انجمن کے صدر رانا منیر احمد صاحب और सरपरस्त आला रियाज उल हक साहब, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल का इनेकाद किया है, शुक्रगुजार हूँ इन सब दोस्तों का, भाइयों का, जिन्होंने फिर मदु किया और शरफ बख्शा के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी यहाँ के करूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, इन सब का महफिल पाक को सजाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और कबूल मंजू फरमा कर हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। और ख़ास तौर पर साथ साथ मैं शुक्रगुजार भी हूँ जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हाजी नवाज़ गोंदल साहब और मलिक इजाज़ साहब,
और मेरे से सीनियर मेरे उस्ताद सना खानों में जिनका शुमार होता है, हमारे सीनियर हैं, जो सीनियर होता है वो उस्ताद ही होता है। कोई ज़ुबान खामोश न रहे बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या। उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या सवर गया, किस्मत सवर गई हिजरे नबी में, आह कहां बेसर गई, तो मदीने खबर गई। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका। हम के तीन अशआर पेश करता हूँ जो राणा साहब ने मुझे कहा है पढ़ने के लिए, उसी तरतीब से मैं कलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रहेंगी तो सुनाने का भी शौक मिलेगा और सुनने का भी शौक आएगा इंशाल्लाह। तीन अशआर। बिगड़े सारे कम बनाऊंगा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनाऊंगा अल्लाह, बनाऊंगा अल्लाह अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनाऊंगा। मोहब्बत से शरीक हो जाइए, बिगड़े सारे कम बनाऊंगा अल्लाह अल्लाह, बिगड़े सारे याद करा, मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करा, कुरूनी अलकुरकुम वश्कुरूली वलैत कुरआन दे खुद फरमाउंदा अल्लाह अल्लाह।
وچ قرآن دے خود فرماندا کون کون سارے بولو کون ایک آواز سچا ہاتھ بار کر کے اچھی سارے نے کہنا ہے کون یہ آواز آنی چاہیے بگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے بگڑے سارے کم بناؤں دا نعت خانی ہونی چاہیے نعت خانی نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے اور خوبصورت بات شاعر نے کی جو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے ان کو جواب دیا شاعر لکھتے ہیں بگڑے سارے کم بناؤں دا بگڑے سارے کم بناؤں دا آخری شعر ودہا دی صورت یارو دس دیئے اسی محبت سے آئیے مل کے گلدستہ ہے درود میں دروشی پیش کرتے ہیں تو مل کے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد وعلا وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجبال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے الجبال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے سڑی اس سونے نل لگ گئی ہے سڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ نباون والا ہے اللہ سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھ میرے حضور تڈیرا ہے جتھ میرے حضور تڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھ میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر تے آقا آکھن گے وچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا سیدنا و مولانا
आपकी आवाज बुलंद होगी और मेरी आवाज आहिस्ता होगी और मिलके बुलंद आवाज से जिसको ये शेर अच्छा लगा है और लगता भी है इसलिए हर महफिल में तकरीबन पढ़ा जाता है और आप सबको आता भी है, सुना है ना सबने, किस किस ने सुना है, है? अब मिलके कौन कौन पढ़ सकता है बुलंद आवाज से, अब इन हाथों को नीचे नहीं करना बल्कि लहरा लहरा के बुलंद आवाज से पढ़ना है। जिथे मेरे हुजूर तनेरा है, जिथे मेरे हुजूर तनेरा है, उथे रहना सदा सवेरा है, उथे रहना सदा मेरा है, विच कबर दे आका के विच कबर दे आपके कलाम के चंद अशआर, तीन तीन अशआर मुझे पेश करने हैं कलामों के और इसमें राणा साहब की जो फरमाइशें हैं वो पेश मुझे पेश करनी है और एक दो कलाम मुझे नए पेश करने हैं। इसी मोहब्बत से साथ देते हुए मैं हाजिरी अपनी कंप्लीट करूंगा, आप लोगों का भी साथ लेते हुए इंशाल्लाह। लिखते हैं शाह साहब, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, हसनैन का नाना है, जहरा का हसनैन, मजा नहीं आया तेरा बुलंद आवाज से, जहरा का वो बाबा है हसनैन से तो जाना है, एक मैं ही नहीं उन पर
और सब तैयारी करते हैं महफिल मिलाद की, रियाजुल हक साहब और राणा मुनीर साहब, अफजल शाफी साहब और जितने भी अरकीन हैं, सब ने तैयारी की और आप लोगों ने भी महफिल मिलाद में आने की तैयारी की। सबकी अपनी अपनी जगह पे तैयारी है, तो शाह साहब ने भी तैयारी की। बड़ा खूबसूरत शेर लिखते हैं शाह साहब, जरा कहिए सुभान अल्लाह। ये कह के दरे हक से ली मौत में कुछ मौला, ये कह के दरे हक से ली मौत में कुछ मौला, मिलाद की आमद महफिल को सजाना है, मिलाद की आमद है महफिल को सजाना है, मिलाद की आमद है महफिल को सजाना। आ गया पांचवा शेर हजूर की आले पाक की नजर, पांचवा शेर। चौथा शेर मैंने नहीं पढ़ा और पांचवा शेर पढ़ा, हाँ हजूर के घराने की नजर। पांचवा शेर यूसुफ भाई, पांचवा शेर पेश करते हैं, लिखते हैं शाह। आओ तेरे सहरा पे नस्ल करीमों की लजपाल कराना है नस्ल करीमों की लजपाल। इस बात पे तो सबका ईमान है ना, है सबका ईमान, अगर आप बुलंद आवाज से है नस्ल करीमों की नस्ल करीमों की लजपाल कराना है। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, नसीरुद्दीन नसी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और बड़ा खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूं, कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, कश्तियां अपनी
अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए है, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए, और कब्र की नींद से आए हाय कहिए सुभान अल्लाह, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, अरे हम तो महशर में उन्हें देखने आए बस देखने आए। शामी साहब बड़ी खूबसूरत बात कही, पी नसीरुद्दीन नशी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप लिखते हैं हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर हाँ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हाजिरो नाजिरो हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छो, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर हाँ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, और नाम आने से शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, सच है ये बात, सच है ना, डाउट नो डाउट, तो मिल के तेरा बुलंद आवाज से शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, एक झलक आज एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के
दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को, दीदार को, दीदार को आए हुए हैं। और क्यों ना पलड़ा आखिरी शेर टाइम का ख्याल करते हुए, मेरा अपना जोक या सबका जोक और आप सबका जोक अपनी जगह पे, लेकिन टाइम भी हमने देखना है। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीजान पे सरकार भी, सरकार भी, सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए साहब की भरपूर फरमाइश पे मैं ये कलाम पेश कर रहा हूं। करम आज बाला बामा गया है, करम आज बाला बामा गया है, करम आज मोहम्मद का नाम गया है, ज़बाँ पर मोहम्मद का नाम गया है, ज़बाँ पर मोहम्मद का नाम गया है।